पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने की सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन के चलते लोगों के काम बंद हो गए थे, इसलिए अब कोरोना के समय के बिल माफ किए जाए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने किसानों के हित में काम किया था और प्रदेश के किसानों को 25% मुआवजा दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से भी सवाल किया है। कोरोना काल में इन्होंने घोषणा की थी कि कोरोना काल के बिजली के बिल माफ किए जाते हैं। आज ये मामला हमने उठाया, लाखों का बिल आ रही है, 1,22,000 का बिल, इसके बाद है ये 50,000 का बिल। ये हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, ये धरने प्रदर्शन भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। लोगों के काम धंधे बंद हो गए लॉकडाउन में, कर्फ्यू लगा, लोग जो काम घरों में जाते थे वो कर नहीं पाए, ये कहाँ से देंगे लाखों का बिल ये। और आज मंत्री जी वहाँ झूठ बोल रहे हैं कि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, ये बोले बिजली के बिल मत भरो, अगर कोई काटने आए तो मुख्यमंत्री, ये पूर्व मुख्यमंत्री जब थे तो कहते थे कि मैं खुद आऊंगा, शिवराज जोड़ने आएगा, शिवराज सिंह चौहान जोड़ने आएगा, ये इनकी दोहरी पॉलिसी है। इसलिए आज हमने और असत्य जवाब उन्होंने वहां पर दिए, उसके खिलाफ हमने बहिर्गमन किया।